और इसमें ये नया फैन सिस्टम दिया है, डबल फैन डबल व्हील, पिछली साइड इसका व्हील लगा हुआ है इसमें, ठीक है सर। और ये फैन यहाँ जो किसान भाई गाला देते हैं, इसमें जो मूंगफली डालते हैं उसका जो गर्दा कचरा उठता है, ठीक है, वो किसान भाइयों की आंखों में सिर में नहीं पड़ता, ये फैन की वजह से सारा पीछे चला जाता है। हाँ जी किसान भाइयों, विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं न्यू हरि प्रताप एग्रो इंडस्ट्रीज एलनाबाद, और हमारे साथ है कंपनी के मालिक का, जिनसे बात कराते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर बताओगे जानकारी भी, हम कब से थ्रेसर बना रहे हैं कब, इसके बारे में? मूंगफली चना निकालने के लिए, सरसों और ग्वार बाजरा निकालने के लिए 40 सालों से ये सबसिलिस्टिक थ्रेसर बनाते आ रहे हैं, और इसमें कोई भी कमी नहीं है, और ग्रैकी खूब पड़ रही है, और काम भी बहुत अच्छा अनाज निकाल रही है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ग्रैकी खूब है, और इस टाइम फुल हाल फुल मौके के 200-300 ऑर्डर भी हैं, और बढ़िया चीज़ दे रहे हैं आपको, और बढ़िया सुविधा, और साथ में ग्रीस गन चाबी पाना सारा सेट साथ में दे रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया चीज़ दे रहे हैं बनाकर बहुत। हाँ जी किसान भाई, ये थी कंपनी के मालिक जिसने हमें थ्रेसर के बारे में जानकारी दी। दोस्तों आज हम इसका करेंगे रिव्यू, इसके बारे पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे साथ है कंपनी के MD से जानकारी लेते हैं। हाँ जी सर नमस्कार जी, मैं न्यू हरि प्रताप एग्रो इंडस्ट्री का मालिक, उनका बेटा जगनदीप सिंह, ठीक है। मैं आपको मूंगफली वाली मशीन के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। ये है हमारी मूंगफली वाला थ्रेशर, ठीक है। इसमें हमने सारी सुविधाएं दी है, किसान भाइयों को परेशान ना होने पाए, हर चीज़ की सुविधा दी है, टूल किट चाबी पाना और ग्रीस गन हर आइटम साथ में दे रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग फैसिलिटी दी है, जैसे ये यहाँ से अलग अनाज, मतलब मशीन के नीचे कोई कचरा डुंगली मोटा मोटा कोई भी यहाँ से इकट्ठा ना हो, सब अलग से बाहर से निकल के अपना बटन लगा के आराम से भर सकते हैं, ये मशीन के नीचे कोई ढेर नहीं लगेगा किसी तरह का कचरे का, ठीक है जी। और इसमें ये नया फैन सिस्टम दिया है, डबल फैन डबल व्हील, पिछली साइड इसका व्हील लगा हुआ है इसमें, ठीक है सर। ये फैन यहाँ जो किसान भाई गाला देते हैं, इसमें जो मूंगफली डालते हैं उसका जो गर्दा कचरा उठता है, ठीक है, वो किसान भाइयों की आंखों में सिर में नहीं पड़ता, ये फैन की वजह से सारा पीछे चला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, किसान भाइयों को आंखें कचरे में बचते हैं, धूल की इस चीज़ों से बचते हैं, ठीक है जी। ये पीछे वाला डबल फैन डबल व्हील है जी, डबल फैन डबल व्हील में ये मशीन है जी, नया मॉडल टो मॉडल ये अभी चल रहा है जी सर, ठीक है जी। ये हमारी मशीनें गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान और 3-4 स्टेटों में जा रही है जी, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसकी, और ये डेमो के लिए, ये आपके लिए सैंपल एक बढ़िया पीस जो भी है आपके सामने सैंपल में दिखा रहे हैं आपको, एक एक चीज़ फैसिलिटी टूल खिड़की और फैन हर चीज़ का सिस्टम, अनाज यहाँ से आता है जी, अनाज यहाँ से आता है, अनाज को साफ करने के लिए ये फैन लगा हुआ है, इसको अगर अनाज को आप दूर फेंकना चाहते हो, ठीक है जी, इसके आगे एक नूली और लगती है जो इसके अंदर डाली हुई है, वो पीछे जाएगी, अनाज 10 फुट की दूरी पर कम से कम जाएगा जी, ठीक है। और ये ट्रॉली वाला एलिवेटर, इसमें आप ये नूली एक और लगाओगे एक्स्ट्रा, वो भी साथ में है, अगर ट्रॉली भरनी है तो इसका काम लेंगे आप, ठीक है जी, अगर बोरी भरनी है तो यहाँ से बोरी भरेंगे आप, ठीक है। दोनों सुविधा दी है, जो किसान भाई को जिस तरह से जो चीज़ की ज़रूरत है उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ट्रॉली भरनी है या एलिवेटर बोरी वगैरह भरनी है जी। हाँ जी, सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर, ये अगर किसान भाई को कोई दिक्कत आ जाती है सर्विस में तो हाँ, इसके लिए कंपनी क्या कर रही है सर? सर हमारा राजस्थान में गुजरात में हमारा बंदा बैठा है सर्विस के लिए, अगर उनसे नहीं समझ आती तो हमारा बंदा यहाँ से स्पेशल सर्विस देने के लिए जाता है सर, और सर्विस में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ 1-2 दिन टाइम जरूर लगता है दूरी के लिए पहुँचने के लिए, कस्टमर को सर्विस देने के लिए इतना चलता है क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ से डिस्टेंस बहुत है जहाँ मशीनें जाती है। सर इसमें टायरों की बात करें तो इसमें कौन से टायर लगते हैं और क्या मतलब? इसमें सर हम JK के नए टायर दे रहे हैं जी, ठीक है जी, कई बार शॉर्ट आने की वजह से हमें रिम थोड़ा डिस्पोजल लेना पड़ जाता है, मोस्टली नए ही टायर दे रहे हैं, सारा रिम और टायर सब नया, टायर ट्यूब कंप्लीट रेडी दे रहे हैं, PTO शाफ्ट जालियाँ मूंगफली वाला जाल और चने वाला जाल एक्स्ट्रा में साथ में देते हैं, चना और मूंगफली के लिए कंप्लीट निकलता है, और टूल किट सारी कंप्लीट इसमें देते हैं भी, किसान भाई को एक्स्ट्रा से कुछ नहीं लेना पड़ता इसमें। सर इससे किसान भाई कौन कौन सी फसलें निकाल सकता है? इसमें निकालने में हम जो चीज़ की गारंटी दे रहे हैं चना और मूंगफली की हमारी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है, और किसान भाई खुद अपनी नई तकनीक से कुछ ना चेंजिंग करके इसमें गेहूँ भी निकाल रहे हैं, मूंग मोट भी निकाल रहे हैं, कई फसलें निकाल रहे हैं, सूखा धनिया मटर ये भी चीज़ें निकल रही है, और सरसों भी निकाल रहे हैं, वो जाल चंडीगढ़ जो एक्स्ट्रा उनको किसान भाई जो सकता है वो हमसे मांग लेते हैं, निकलती सब फसल है इसमें से जी। हाँ जी सर एक बात और पूछना, तो अगर
हरी प्रताप एग्रो इंडस्ट्री द्वारा, और कौन कौन से थ्रेसर बनाए जाते हैं इसमें? सर हम एक दो डिग्गर बनाते हैं मूंगफली उखाड़ने के लिए, ठीक है सर, और मल्टी क्रॉप बनाते हैं जिसमें गेहूं, चना, मूंग, मोड़, रायडा सारी फसलें निकलती है। मल्टी क्रॉप हो गया और डिग्गर हो गया और ये मूंगफली वाला, ये तीन तो बेस्ट हैं ये हमारे, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर की डिमांड पे कटर थ्रेसर हो गया गेहूँ निकालने की जो स्पेशल है, वो भी बनाते हैं, और एक दो फसल मशीनें और हैं, वो कस्टमर की जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से बना रहे हैं। मोस्टली मूंगफली और डिग्गर और ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर, ये तीन चीज़ें मोस्टली अभी चल रहे हैं किसानों की डिमांड पर। सर अगर किसान भाई ने जा